युवाओं को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाने के लिए योगी सरकार ने हर वो काम किए जो बीते सालों में किसी भी सरकार ने नहीं किए थे। 2017 के पहले युवा जी जान से पढ़ाई करके डिग्रियां तो हासिल कर लेते थे, लेकिन जब बात रोजगार की आती थी तो पिछली सरकारें इन्हें दर दर भटकने को मजबूर कर देती थी और रोजगार भी जाति प्रमाण पत्र देख कर दिया जाता था। आज प्रदेश में चेहरा देख कर नहीं, योग्यता देख कर नौकरी मिल रही है। युवाओं से जाति प्रमाण पत्र नहीं, योग्यता प्रमाण पत्र मांगा जाता है। मैं बस्ती जिले से हूँ। लोक सेवा आयोग द्वारा मेरा प्रदेश में पहला स्थान है और जीव विज्ञान पद पे मैं चयनित हुआ हूँ। मेरा चयन नौगढ़ में राजकीय इंटर कॉलेज नौगढ़ में हुआ है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके कर कमलों द्वारा हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला और ऐसी प्रक्रिया पहली बार हुई जो निष्पक्ष है, कहीं कोई पैसा नहीं लगा, कहीं कोई सोर्स बड़े आराम से हो गया। योगी जी की कुशल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां और 3.5 लाख युवाओं को संविदा पर नौकरियां दी। वहीं दूसरी तरफ बसपा सरकार में मात्र 91,000 तो सपा सरकार में मात्र 2.05 लाख नौकरियां दी गई। जी हाँ, फर्क साफ है। 2.16 हजार करोड़ के लोन से 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 25 लाख लोगों को रोजगार मिला। युवाओं की पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट भी दे रही है। इससे प्रतियोगी छात्र किसी भी ऑनलाइन कोचिंग संस्था से जुड़कर अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकेंगे। वहीं पिछली सरकार ने तो युवाओं से वादे बहुत किए पर उन्हें पूरा नहीं कर पाई, पर अरबों का लैपटॉप घोटाला जरूर कर दी। जी हाँ, फर्क साफ है। आज दमदार भाजपा सरकार के काम का ही नतीजा है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर मात्र 4.5% है। वहीं दूसरी तरफ सपा सरकार में ये बेरोजगारी दर 18% था। इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड बनाते हुए भाजपा सरकार में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिससे लाखों योग युवाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा है। तो वहीं पिछली सरकार में इन्वेस्टर्स का पलायन और निवेश कागजों पर हो रहा था। जी हाँ, फर्क साफ दिख रहा है कर्मयोगी सरकार में और सत्ता भोगी सरकार में। इन्हीं सब कार्यों से यूपी के युवाओं ने ठाना है फिर एक बार भाजपा सरकार बनाना है।